नमस्कार, स्वागत है आपका चंबा हलचल में और मैं हूं आपके साथ हांचल मुंगिया। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों अनुसार जिला चंबा के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रयुक्त होने वाली फोटोयुक्त मतदाता सूचियों की जांच, नए मतदाताओं के नामों को दर्ज करवाने और मृतक मतदाताओं के नाम कटवाने हेतु प्रारूप प्रकाशन 10 नवंबर को संबंधित विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक केंद्रों, संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, ADM, SDM, तहसीलदार या नायब तहसीलदार के कार्यालयों में जारी किया गया था, जिसकी समय अवधि पूरी होने के बाद इस विषय को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बारे जानकारी देते हुए निर्वाचन कानूनगो सुनील शर्मा ने बताया कि इस दौरान 1500 मतदाताओं ने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें नए मतदाताओं को वोटर कार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। नवंबर हर वर्ष अक्टूबर नवंबर में समरी रिवीजन चलता है, उस दौरान जो मतदाता 18 साल की आयु पूर्ण करते हैं उनको मतदाता सूची में जोड़ा जाता है। मतदाता सूची में जोड़ने के पश्चात मतदाताओं को एपिक, जो इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड एपिक, इशू किया जाता है हार्ड कॉपी। और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश ये भी हैं कि उसी हार्ड कॉपी के साथ साथ मतदाताओं को एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसको कहते हैं ई एपिक। हर मतदाता अपने मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन ऐप इंस्टॉल करके अपना जो मोबाइल नंबर उन्होंने समरी डिवीजन में रजिस्टर्ड करवाया होता है, उस मोबाइल नंबर को डालकर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाने के बाद वोटर हेल्पलाइन ऐप में या NVSP पोर्टल के ऊपर जाकर अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी डाउनलोड कर सकता है। इस सभी प्रक्रिया को मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए हमारे बूथ लेवल अधिकारी एक कड़ी का काम करते हैं। इसी संबंध में माननीय SDM चंबा द्वारा आज बूथ लेवल अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में हमारे बूथ लेवल अधिकारियों को यही दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया जाता है इलेक्टर्स का, उस मोबाइल नंबर के ऊपर उस इलेक्टर को अपना ई एपिक डाउनलोड करवाने में उनकी हेल्प करें, क्योंकि ई एपिक डाउनलोड करना सिटीजन की, इलेक्टर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी हमारे द्वारा BLO को उपलब्ध करवाई जाती है, जो है वो अपने अपने बूथ में जो भी मतदाता नए एनरोल हुए हैं उनकी हेल्प करेंगे, उनके वोटर जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें NVSP.in पर जाकर या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए ये जो ई एपिक है इसको डाउनलोड करवाने में हमारे मतदाताओं की हेल्प करेंगे, ताकि हमारी इस कंस्टिट्यूएंसी का परसेंटेज ई एपिक डाउनलोडिंग के मामले में मैक्सिमम हो सके और हमारे सभी मतदाता जो एनरोल हुए हैं और जिनके लिए कमीशन चाहता है कि ये मतदाता ई एपिक भी अपना डाउनलोड करें, इसको भी डाउनलोड हमारे BLOs करवा सकें और कोई भी मतदाता इसके लिए छूटे ना। अभी हमारा जो समरी रिवीजन का अभियान था वो भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार 10 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर 2021 तक चला। अभी हमारा पिछले कल 9 दिसंबर को ये अभियान समाप्त हुआ है। इस दौरान हमारे पास अच्छी संख्या में नए मतदाता एनरोल हुए हैं और आगे भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार 25 जनवरी को हम पूरे असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में हर मतदान केंद्र पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस सेलिब्रेट करेंगे। उनमें इन नए इलेक्टर्स को सम्मानित किया जाएगा, वोटर कार्ड वितरित किए जाएंगे और उसके पश्चात जो नए वोटर बनाने की प्रक्रिया है वो एक बार पुनः फिर से आरंभ हो जाएगी। हमारे नए इलेक्टर जो एनरोल हुए हैं उनकी संख्या 1500 के आसपास है। इसमें जो हमारे मृत्यु के कारण या शादी या स्थानांतरण के कारण वोटर डिलीट हुए हैं उनकी संख्या 792 के आसपास।